हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में जो है वो हम लाउवे मेथड के बारे में देखने जा रहे हैं, जिसे लाउवे विधि भी कहा जाता है। ये जो आपका टॉपिक है सॉलिड स्टेट चैप्टर का जो है वो 7th नंबर का जो है वो नोट्स है। बाकी के नोट्स आप लोगों को सॉलिड स्टेट चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहां पे आपको जो है वो मिल जाएंगे, तो चेक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इसे डायग्राम के हेल्प से जो है वो समझाऊंगी। एक चीज और कहना चाहती हूँ, इसे हम जो है वो लाउवे की स्पॉट मेथड भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में कभी आता है कि लाउवे की स्पॉट विधि का जो है वो वर्णन कीजिए, तो भी आपको यही डायग्राम और यही चीज को जो है वो एक्सप्लेन करना है। क्लियर हुआ? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इस मेथड का यूज क्यों किया गया है सॉलिड स्टेट जो है वो चैप्टर में। तो हमें पता है कि सॉलिड स्टेट चैप्टर में हम जो है वो क्रिस्टल के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं। तो अगर हमें क्रिस्टल की आंतरिक संरचना के बारे में जो है वो स्टडी करना हो, मतलब अगर हमें क्रिस्टल के इंटरनल पार्ट्स को अच्छे से देखना हो, या फिर अच्छे से समझना हो, या फिर उनकी संरचना का अध्ययन करना हो, तो उसके लिए हम जो है वो इस मेथड का जो है वो यूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, इस मेथड के लिए हम जो मेन चीज का यूज करेंगे वो है एक्सरे। जी हाँ गाइस, यहाँ पे हम एक्सरे का यूज करके क्रिस्टल के आंतरिक भागों को जो है वो देख सकते हैं। मींस क्रिस्टल के इंटरनल पार्ट्स को देखने के लिए हम जो है वो लाउवे मेथड का जो है वो यूज करते हैं, और इस मेथड में जो है वो हम एक्सरेस का जो है वो यूज करते हैं। क्लियर हुआ? तो चलिए एक एक पॉइंट में आप लोगों को बताते जाऊंगी, आपको जो है वो अपने कॉपी में जो है वो नोट करते जाना है। पहला पॉइंट तो आप समझ गए, इसे लाउवे की स्पॉट मेथड भी कहते हैं। इस मेथड का प्रयोग क्रिस्टल की संरचना की जानकारी लेने के लिए जो है वो किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो हम मेथड का यूज करेंगे उसके थ्रू हमें ये पता लगेगा कि क्रिस्टल की जो है वो संरचना कैसी है, मतलब क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो इस मेथड के थ्रू हमको जो है वो इजिली पता चल जाएगा। तो यहाँ पे चलिए मैं आप लोगों को जो है वो डायग्राम के हेल्प से इसे जो है वो अच्छे से बताती हूँ। सबसे पहले आप लोग देखिए, यहाँ पे मैंने क्रिस्टल रखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग ने एक जो है वो क्रिस्टल रखा हुआ है। ये वो क्रिस्टल है जिसकी आंतरिक भागों की हमें जो है वो जानकारी लेना है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे हम जो है वो एक्सरेस का जो है वो यूज करेंगे। तो इस मेथड में एक्सरे के डिफ्रैक्शन द्वारा क्रिस्टल की संरचना का पता लगाया जाता है। इसका मेन जो थ्योरी है वही है कि जब यहां से एक्सरे जो है वो आएगा और इस क्रिस्टल से जब वो एक्सरे जो है वो टकराएगा, तो क्या होगा, क्रिस्टल से जैसे वो टकराएगा क्रिस्टल के अंदर जाकर के, वो जो है वो डिफ्रैक्शन होगा उसका। और यहां पे जो है वो उस एक्सरे का जो है वो जब डिफ्रैक्शन होगा, जिसे हम हिंदी में विवर्तन कहते हैं, तो उसके डिफ्रैक्शन होने के बाद हमें इस क्रिस्टल के आंतरिक भागों की संरचना का जो है वो हम आसानी से पता लगा सकते हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को जो है वो आप लिखते जाइए। सेकंड पॉइंट आपको समझ में आया कि इस मेथड का प्रयोग हम क्रिस्टल की संरचना की जानकारी लेने के लिए करते हैं। इस मेथड में एक्सरे के विवर्तन द्वारा क्रिस्टल की संरचना का पता लगाया जाता है, मतलब इस मेथड में हम एक्सरे के डिफ्रैक्शन द्वारा क्रिस्टल की संरचना का पता लगाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सरे जब इस क्रिस्टल में प्रवेश करते हैं तो उनका क्या हो जाता है, यहाँ पे डिफ्रैक्शन हो जाता है या फिर विवर्तन हो जाता है। तो इन्हीं के द्वारा हम जो है वो इन क्रिस्टल की आंतरिक भागों की संरचना का जो है वो पता लगाते हैं। आगे का पॉइंट लिखिए, इस मेथड में एक्सरे को एक लेड स्लिट में से गुजारने से प्राप्त हुए एक पतले पुंज को पतले क्रिस्टल में से होकर के गुजारा जाता है। अब देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया, सबसे पहले देखिए हम लोगों ने यहाँ पे सोर्स ऑफ एक्सरे, मतलब यहाँ पे आपका एक्स किरण जिसे हम कहते हैं, एक्सरे का जो है वो यहाँ पे सोर्स है, जो कि लेड स्लिट से होकर के जो है वो गुजर रहा है, और यहाँ से एक्सरे जो है वो आता है, और यहाँ पे हम लोगों ने एक पतला सा क्रिस्टल रखा हुआ है, उस क्रिस्टल में से ये होकर के एक्सरे जो है वो गुजरते हैं। क्लियर हुआ? अब आगे का पॉइंट आप यहाँ पे लिखिए, एक्सरे क्रिस्टल के द्वारा विवर्तित होती है, जिन्हें एक फोटोग्राफिक प्लेट पर जो है वो गिराया जाता है। मीन्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब हमारा ये एक्सरे जो है वो डिफ्रैक्ट हो जाता है, तो ये जो आपका एक्सरे जो जिसका जो है वो डिफ्रैक्शन हो गया है, उसे हम क्या करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो है वो गिराते हैं। यहां तक क्लियर हुआ आपको? तो यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो एक्सरे की पोजीशन एवं इंटेंसिटी का जो है वो मेजरमेंट करते हैं। जैसे ये एक्सरे जब ये एक्सरे जो है वो डिफ्रैक्ट होकर के इस प्लेट पर जो है वो पड़ता है, तो यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट का ये काम होता है कि इस फोटोग्राफिक प्लेट के द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि वो एक्सरे का पोजिशन कैसा है, मतलब उसकी स्थिति कैसी है और उसकी तीव्रता कितनी है, मतलब उसका इंटेंसिटी कितना है। ये हम जो है वो इस फोटोग्राफिक प्लेट के थ्रू जो है वो पता लगा सकते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिए पॉइंट को, फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो विवर्तित एक्सरे की पोजीशन एवं इंटेंसिटी का जो है वो मापन करता है। समझ रहे हैं आप लोगों को? अब आगे देखिए,
इस ब्लेड को डेवलप करने से धब्बों का एक पैटर्न प्राप्त होता है जिसे लाउवे प्रारूप या लाउवे पैटर्न कहा जाता है। अब ये ब्लेड को जैसे हम डेवलप करेंगे तो हमें जो है वो एक धब्बा का जो है वो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने बताया था डिफ्रेक्टेड स्पॉट हमें प्राप्त होता है। धब्बा मतलब क्या होता है? स्पॉट। जैसे हम इस फोटोग्राफिक ब्लेड को जो है वो और अच्छे से डेवलप करते हैं हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें बहुत सारे जो है वो धब्बे मिले हैं जिसे हम डिफ्रेक्टेड स्पॉट्स कहते हैं। डिफ्रेक्टेड स्पॉट्स क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एक्सरे जब यहाँ पे डिफ्रेक्ट हो रही है उसी का स्पॉट हमें जो है वो यहाँ पे मिल रहा है जिसे क्या कहते हैं? लाउवे पैटर्न भी जो है वो इसे कहा जाता है या लाउवे प्रारूप भी इसे हम कहते हैं। प्रत्येक क्रिस्टल के लिए यह अलग अलग होता है। अब देखिए हर क्रिस्टल के लिए जो हमारा स्पॉट मिलेगा वो अलग अलग रहेगा और यही प्रिंसिपल है कि हर क्रिस्टल का जो है वो अलग अलग स्पॉट मिलेगा जिसके थ्रू हम जो है वो क्रिस्टल के आंतरिक भागों का जो है वो आसानी से पता लगा सकते हैं। धब्बों की तीव्रता व आकार जो है वो भिन्न भिन्न होता है। इसका विश्लेषण करके क्रिस्टल की संरचना की जानकारी जो है वो मिल जाती है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो हमारा स्पॉट मिलेगा उसका जो इंटेंसिटी है मतलब जो तीव्रता है और उसका जो शेप है साइज है आकार है वो सब चीज जो है वो अलग अलग रहेगा। अलग अलग क्रिस्टल के लिए हमारे स्पॉट जो है वो अलग अलग रहेंगे और इसी स्पॉट की जो है वो स्टडी करके हम जो है वो क्रिस्टल की संरचना के बारे में जो है वो आसानी से पता लगा सकते हैं। तो आप लोगों को यहां तक समझ आया कि कैसे हम लोगों ने एक्सरे का यूज किया, एक्सरे को क्रिस्टल में से होकर के गुजारा, वहां से एक्सरे जो है वो डिफ्रेक्ट हुआ, डिफ्रेक्ट होने के बाद वहां पे हमें जो है वो स्पॉट्स मिला और स्पॉट्स को देख करके हम जो है वो क्रिस्टल के आंतरिक भागों की संरचना का पता आसानी से लगा लिए। तो ये एक विधि है जिसके थ्रू हम क्रिस्टल की संरचना के बारे में जो है वो पता लगा सकते हैं जिसे लाउवे मेथड कहा जाता है। आई होप यू गाइस आज का वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।